फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बैंगन को मैं बीच में से पहले कट लगाऊंगी। देखिए, बीच में से मुझे दो कट लगाने हैं और डंडी अलग नहीं करनी है, डंडी जुड़ी रहने देनी है। और इस तरह से देखिए, बीच में से खुल चुका है बैंगन, मैंने दो कट लगा लिए हैं और ऐसे ही मैं सारे बैंगनों में कट लगा लूँगी। मैंने इसमें छोटे साइज़ के बैंगन लिए हैं, छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं बहुत, इसमें अलग ही टेस्ट होता है कुछ। तो इस तरह से हम बीच में से सारे बैंगन को चाक कर लेंगे। तो अब करते हैं इसका मसाला रेडी। एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हमने लिया गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। इसको करते हैं मिक्स अच्छे से। इसका मसाला रेडी है ये। तो अब इसे मसाले को हम इसमें भरेंगे, अच्छे से सारी इसकी फुटकियाँ निकाल लेते हैं मसाले की। और इसे मसाले को हम इसमें बीच में से खोलकर इसमें बैंगन में भर लेते हैं अच्छे से, देखिए इस तरह से। और इसको कस के दबा देंगे हम, फिर अच्छे से भरेंगे इसमें मसाला। वैसे बैंगन कई तरह से बनते हैं भरवा बैंगन, तो ये बहुत ही इजी सिंपल तरीके के बैंगन हैं ये, लेकिन बहुत ही टेस्टी हैं। तो देखिए, इसे अच्छे से भर लेते हैं। सारे बैंगन को मैं ऐसे ही भर लूँगी और इसे हम कस के दबा देंगे अच्छे से, जिससे इसमें मसाला हमारा रुका रहे, क्योंकि हम इसको बांधेंगे नहीं। तो अच्छे से हमें दबाना है इसको। तो देखिए, सारा मसाला इस बैंगन में सब कवर हो चुका है। तो देखिए, कस के इसको बंद कर देते हैं। तो हमारे बैंगन अब तैयार हैं सारे, अभी से करते हैं हम फ्राई। तो चलिए ले चलते हैं इसे पैन की तरफ। सबसे पहले मैंने रख लिया है पैन, इसमें मैंने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें हम सभी बैंगन रख देते हैं। गर्म होने के बाद इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। और इसको मैं रख देती हूँ इसमें, सारे बैंगन को सेट कर देती हूँ इसमें। तो देखिए, हमारे सारे बैंगन इस पैन में आराम से आ चुके हैं। इसको हम 3 मिनट इसको ऐसे ही पकाएंगे, ढककर बिल्कुल 3 मिनट बाद देखते हैं, फिर पलटेंगे हम इसको। तो देखिए, 3 मिनट बाद इसको हम पलट देते हैं अच्छे से, हिलाते हैं पहले और इसको अच्छे से बारी बारी सारे बैंगन हम पलट देंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है। और देखिए, मसाला भी इसमें से निकलेगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सेट रहेगा इसमें मसाला। बहुत अच्छे से हम इसे आराम से पलट देंगे। आप इसमें मसाला और तेज़ भी कर सकते हैं चटपटा करने को, लेकिन ये बिल्कुल मसाला बहुत ही चटपटे बनने वाले हैं। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से पलट दिया है, फिर मैं 3 मिनट के लिए पकाने वाली हूँ इसको। 3 मिनट बाद फिर देखते हैं हम इसको। देखिए, काफ़ी हद तक हमारे बैंगन गल चुके हैं, अब हम इसे फिर से हम अलट पलट करेंगे, हिला देते हैं थोड़ा सा। तो इसे मैं एक बार और साइड से पलट देती हूँ। तो ये अच्छे से चारों साइड से पक जाएंगे। इसे एक बार और हम पलट देते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे पलट देते हैं आराम से। जब आप बनाएंगे, आपके पूरे घर में खुशबू हो जाएगी, क्योंकि जब ये बनते हैं पूरे घर में इसकी खुशबू महक जाती है। टाइम पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है, बहुत ही अच्छी। तो देखिए, अब हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। इसे थोड़ा सा हिला देते हैं और चलते बंद करते हैं गैस को अपने, क्योंकि हमारे बैंगन तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, हमारे बैंगन कितने अच्छे तैयार हुए हैं। थोड़ा सा मैंने इस पर हरा धनिया भी लगा दिया है, कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए, मैं आपको खोलकर भी दिखाती हूँ ये बैंगन। देखिए, मसाला मैं दिखाऊंगी आपको, अच्छे से भरा हुआ है इसमें मसाला, बहुत ही बढ़िया खुशबूदार मसाला हमारा, बहुत टेस्टी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।